टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं, बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है, पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि आम उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नियत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है उनको, नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष मैं एक एक करके आता रहूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक मिनट एक एक करके सुन लेते हैं। जब हाँ मैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे। इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी हमने, दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे। तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकारों में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट, 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है। बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब, तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। इनसे एक बार इनसे आपके विधायक के
साक्षी होंगे या जो बाद में अन्य दो पार्टी से तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे उनको दे देंगे। थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब, थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज़ तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता, ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है, अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग जो जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है और जो ईमानदार है, उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो और आम आदमी पार्टी में आ जाओ। एक बार इनसे, हाँ ये गड़बड़ हो गई माइक, अगली बार से माइक की। हाँ सबसे पहले मैं आपसे सहमत हूँ जी, मैं माफी मांगता हूँ। आज जो कार्यक्रम के शुरू में अराजकता हुई उसके लिए पूरी तरह से पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं सभी पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, उसको नुकसान नहीं, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लगभग 2200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं बिजली पे। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक सरकार है, वो सरकार आपसे 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है, सारा पैसा खा जाती है, और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोयले के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, अब तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती, आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती, उतना ही 60,000 करोड़ का टैक्स है, उसमें से पैसे बचा लेती है, जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के, वो आपके लिए पैसे बचा लेती है। और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो, बिजली मुफ्त ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी? वही सरकार ज्यादा अच्छी। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली में, उसी टैक्स के अंदर उल्टे टैक्स कम कर दिए। जब हमारी, अब तो खैर जीएसटी आ गया, जब पहले 2 साल हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने वैट के रेट सारी चीजों पे 12% से कम करके 5% कर दिए थे, टैक्स के रेट कम कर दिए, टैक्स की चोरी बंद कर दी, कलेक्शन हमारी 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई दिल्ली के अंदर। उसी से आप लोगों को फायदा पहुंचाया, हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया उसी चीज को। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा, चोरी को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, इसीलिए हम एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन इधर से, ये बहुत देर से बेचारे बोल रहे हैं। कहाँ है वीआईपी कल्चर? सर आम आदमी पार्टी की गरीबों की तो बात ही नहीं की जाती है। ये गरीबों की बात है भाई साहब। सर केवल बिजली
और पानी के अलावा तीसरा कोई मुद्दा सामने नहीं। आज रोजगार रोजगार गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट सुनो, अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं इससे गरीबों को फायदा है कि नहीं है? अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे गरीबों को फायदा? अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूँ, किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का, कौन बात करता है किसानों की, बस वोट लेने जाते हैं। अगर मैं सरकारी स्कूल ठीक करता हूँ, सरकारी स्कूल में समाज का सबसे गरीब तबके का बच्चा जाता है। अगर मैं एक मिनट, अब मतलब ये सारे कोई साहूकार तो है नहीं जी, ये सारे आम लोग हैं आप ही की तरह। हाँ जी, उधर से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, एक इनसे, ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। छह महीने में एक मांग, बाकी तो समय लगेगा कुछ।